अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुस्तफा खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक की, जिसका नाम है एनवायरनमेंट वेरिएबल एलडी प्रीलोड, कि हम किस तरह एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं, ये काम हम प्रैक्टिकली किस तरह करवा सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से, कि हम ये किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो करंट टेक्निक है वो हमारे एनवायरनमेंट पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो वो हम देखेंगे sudo -l कमांड से। sudo -l कमांड हमें ये बताती है कि हम कौन सी कमांड sudo privilege के साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कमांड है यूजर बिन echo, echo की कमांड है, वो हम sudo privilege के साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, हमने कहा sudo echo एंड देन सब। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर sudo करूँ और vim करवाऊँ तो यहाँ पर एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट आ चुका है, विच मीन्स के vim की कमांड हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये एक तरीकेकार है डिफ्रेंशिएट करने का, अगर आप कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो echo की कमांड है जो कि हम sudo privilege के साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब करंट एनवायरमेंट के अंदर जो टेक्निक हम देखने वाले हैं उसका जो मेन कंसर्न है, जो मेन फोकस एरिया है, वो है ये एनवायरमेंट वेरिएबल एलडी प्रीलोड, और साथ में ये लाइन एनवायरमेंट कीप एंड एलडी प्रीलोड। अगर ये लाइन आपको नजर आ रही है और साथ में कोई बाइनरी है जो कि आप sudo privilege के साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कोई भी बाइनरी आप sudo privilege के साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इस केस के अंदर, देन आप अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं। चांसेस आर देयर कि आप बहुत आराम से अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं। echo हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, इसके अलावा आप कोई और भी बाइनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। echo के अंदर एज सच कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती कि वो सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट करवा सके, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा लेंगे। किस तरह करवा सकते हैं ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। फिलहाल कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि LD preload जो है ये एक environment variable है। Actual के अंदर Linux environment में जब कोई file हम execute करते हैं like this, कि हमने echo की कोई command execute करवाई या कोई file हमने echo की execute करवाई, तो वो execute होने से पहले कोई ना कोई library है, shared library है, जो कि load करता है memory के अंदर। अब ये load करने का जो भी process या भी कोई भी activity है, तमाम चीज़ों को manage करता है dynamic linker। डायनेमिक लिंकर लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर एक प्रोग्राम है जो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। अब यहाँ पर जब जब कोई फाइल एग्जीक्यूट होती है तो वो कोई ना कोई लाइब्रेरी एक्सेस करता है या मेमोरी में लोड करवाता है। ठीक है, ये काम तब होता है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि सबसे पहले आपने कोई भी एग्जीक्यूटिबल को या कोई फाइल को एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश की, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमने echo टाइप करा तो echo एग्जीक्यूट नहीं होगा डायरेक्टली, उससे पहले कोई ना कोई लाइब्रेरी है जो कॉल होगी। अब ये लाइब्रेरी जो कॉल हो रही है, यहाँ पर हम इस करंट एनवायरनमेंट के अंदर अगर चीज़ें हमारे फेवर में हैं तो हम अपना कोई भी मेलिशियस कोड इस लाइब्रेरी की शक्ल में ऐड करवा के लोड करवा सकते हैं मेमोरी के अंदर इस एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू। ये काम हम किस तरह करवा सकते हैं ये अब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। करंटली हम देख लेते हैं लैब, कि हम लैब किस तरह कॉन्फिगर कर सकते हैं। चलते हैं अपने पास सबसे पहले sudo करके, ताकि हम एक लैब एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें आज की लैब के लिए। और ओके, हमने कहा वी आई sudo, ताकि हम sudo और फाइल्स को एडिट कर सकें। यहाँ पे तमाम डेफिनेशन आ गई है sudo की, कि जो जो काम sudo से करवा सकते हैं और कोई काम sudo से नहीं करवा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुसब यूजर है वो sudo के प्रिविलेज के साथ echo की कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकता है और पासवर्ड की जरूरत नहीं है। विदाउट सप्लाई पासवर्ड हम ये कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेकेंडली जो चीज़ यहाँ पर काम की है, विच इज दिस, अगर ये लाइन यहाँ पर ऐड है, ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास रूट प्रिविलेज नहीं है तो आप इस फाइल को नहीं देख सकते। उसके बावजूद अगर आपके पास रूट प्रिविलेज नहीं है तो भी आप इस तरह sudo l के साथ ये कंफर्म कर सकते हैं कि ld preload का कोई एनवायरमेंट वेरिएबल है जो यहाँ पर env keep के अंदर सेव हो रहा है। तो ये आपके काम की चीज़ है। कोशिश ये है कि करंटली हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाएं जो कि इस लेक्चर को कॉम्प्लिकेटेड कर दे और आपको चीज़ें समझ में ना आए। बस वो कैंसिल करवा लेते हैं, देन ओके। लेट्स से कि ld preload का जो भी वेरिएबल है ये हमने एनवायरमेंट कीप के अंदर सेव करवा दिया है और ये प्रिजर्व हो गया, मतलब हमने इसको परसिस्टेंट कर दिया यहाँ पे लाके। क्यों कर दिया है, कैसे कर दिया है, एक्सपायर डेट फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, जस्ट टू कीप इट सिंपल।
अब फिलहाल हम देख लेते हैं, अगर आप रूट से लॉगिन हैं तो आप देखने के लिए कि रूट ने आपको क्या एक्सेस परमिशन ग्रांट की भी और क्या नहीं की भी, तो वो आप डैश वी के साथ देख सकते हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पे जो भी प्रिजर्व वेरिएबल एनवायरनमेंट उसके अंदर एलडी प्रीलोड आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये एक परसिस्टेंट वेरिएबल फिलहाल बन चुका है। अब हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं और इससे हम किस तरह अपने प्रिविलेज को सिलेक्ट करवा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। हमने बात की थी यूजर बिन इको की। अब इको कमांड जब भी लोड होगी इससे पहले कोई ना कोई लाइब्रेरी एग्जीक्यूट हो रही होती है, और एलडी प्रीलोड के थ्रू हम लाइब्रेरीज को लोड करवा सकते हैं। और एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि एलडी प्रीलोड क्या सूडो प्रिविलेज के साथ, सूडो कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि जब भी हम कोई इको की या कोई और बाइनरी कोई फाइल सूडो प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट करवाएंगे उससे पहले हमें कोई ना कोई लाइब्रेरी भी एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी, मेलिशियस लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेलिशियस लाइब्रेरी अपनी, सॉरी विच इज जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक रखी हुई है फाइल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि हमारा ज्यादा टाइम यहाँ पे ना लगे। एक सी का कोड है और यहाँ पे छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है सी का, जो कि क्या डिफाइन कर रहा है, एक फंक्शन इनिशियलाइज कर रहा है और फंक्शन में बता रहा है कि अनसेट कर दो एलडी प्रीलोड एनवायरमेंट वेरिएबल को। यहाँ पे अनसेट एनवायरमेंट का मतलब ये है कि इस एनवायरमेंट वेरिएबल को डिलीट कर दो अगर ये पहले से सेट हुआ हुआ है तो, ताकि चीजें किसी तरह भी कॉन्फ्लिक्ट ना करें। सेट जी आई डी आपको क्या बता रहा है, जीरो, और सेट यू आई डी आपको क्या बता रहा है, जीरो। अब ये जीरो जीरो जो है ये रूट की वैल्यूज हैं, एक बार हम देख भी लेते हैं। सॉरी ओके ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लोड करवाई थी जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रूट यू आई डी जीरो है एंड जी आई डी रूट जीरो है, उसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो जीरो जीरो आ रही है, जो कि जरूरी है कि सबसे पहले आपने जीरो जीरो वैल्यू सेट करवानी है, उसके बाद आपने शेल को एग्जीक्यूट करवाना है, कॉल करवाना है, क्योंकि जब आप शेल को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो जीरो जीरो वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट होगा जो कि रूट की वैल्यू है। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने एक्सप्लॉइट डॉट सी को कन्वर्ट करना है एक शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर, शेयर्ड डायनेमिक लाइब्रेरी के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसको फिर हम लोड करवाएंगे एलडी प्रीलोड एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर। यह हम किस तरह करवा सकते हैं, ये हम करवाएंगे इस कमांड के साथ। ऑब्वियसली इतनी बड़ी कमांड हमेशा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रिटीन में ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो गलत कमांड के अंदर। ये कमांड क्या काम करेगी, ये कमांड आपको आपकी जो फाइल है डॉट सी की उसका एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगी जिसको हम लोड करवा सकते हैं मेमोरी में। और एलएस करवा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है एक्सप्लॉइट डॉट एस ओ। अब जो एस ओ है ये लिनक्स के अंदर शेयर्ड लाइब्रेरी की एक एक्सटेंशन है। जब भी कोई लिनक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो एक लाइब्रेरी को इन्वोक करता है, या लाइब्रेरी जो है वो के लिनक्स एनवायरमेंट के अंदर मेमोरी में लोड होती है, जिसकी एक्सटेंशन है डॉट एस ओ शेयर्ड लाइब्रेरी। तो अब हम इसको किस तरह लोड करवा सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। समथिंग लाइक दिस, सबसे पहले आपने सूडो की कमांड टाइप करनी है, सॉरी सबसे पहले आपने सूडो की कमांड टाइप करनी है एंड देन आपको एलडी अंडरस्कोर प्रीलोड आपको टाइप करना है, क्योंकि ये एनवायरमेंट वेरिएबल है। इस एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर हम ये एक लाइब्रेरी है जिसको लोड करवाना चाह रहे हैं, जिसकी पाथ है टेम्प स्लैश पीई स्लैश एक्सप्लॉइट डॉट एस ओ, और साथ में हम कह रहे हैं यूजर बिन इको। अब क्या होगा, जैसे ही हम इको की कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो सबसे पहले हमारी जो ये लाइब्रेरी है वो एक्चुअल में इन मेमोरी लोड हो जाएगी, और लोड होने के फौरन बाद हमें एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा रूट का। लेट्स सी, एज यू कैन सी अब हमें एक प्रॉम्प्ट मिल चुका है, कंफर्म कर लेते हैं हु एम आई करके। अब हम यहाँ पर सक्सेसफुली अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा चुके हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द एलडी प्रीलोड एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो कुछ चीजें आपके फेवर में होना लाजमी है, जैसे कि एलडी प्रीलोड एनवायरनमेंट वेरिएबल की हमने बात करी, जो कि अगर सेट है प्रिजर्व हुआ हुआ है तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक बाइनरी या कोई भी बाइनरी यूजर बिन इको के अलावा कोई और बाइनरी भी हो तब भी आप इसको एक्सप्लॉइट करवा सकते हैं। अब एक काम और भी करवा के देख लेते हैं, लेट्स से हम करके देख लेते हैं यहाँ पे दूसरी किसी बाइनरी को टेस्ट के क्या कोई और बाइनरी के साथ हम ये काम करवा सकते हैं। लेट्स से पिंग, हमने इसको सेव करवाया क्लोज करवाया। अब चलते हैं यहाँ पे टाइप करते हैं सूडो एल
और यहाँ पर आ गई पिंग की कमांड। अब अगर यही काम हम पिंग के साथ करवा के देखें तो क्या ये काम हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अब एक चीज मैं आपको और दिखाऊं पिंग और इको की, कि पिंग और इको में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पर सर्च करवाएं, लेट्स से इसको दोबारा से चलते हैं मेन साइट की तरफ, और अब अगर यहाँ पे आप सर्च करवाएं इको, तो यहाँ पर ऐसी कोई बाइनरी नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पिंग करवाएं, तो यहाँ पर पिंग की भी ऐसी कोई बाइनरी मौजूद नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी सिस्टम की कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा, एंड अगेन वी गॉट द शेल, कंफर्म कर लेते हैं हु एम आई करके, हु एम आई PWD और ETC शेडो। और अब हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने सक्सेसफुली अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी इस टेक्निक के हवाले से कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़।